इंटरनेशनली सबसे ज्यादा देखे जाने वाली ओटीटी सीरीज कौन सी है, ये तो शायद हर कोई जानता होगा, पर क्या आप जानते हो इंडिया में कौन सी ऐसी सीरीज है जिसको सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं और कितने हैं वो ज्यादा व्यूज? अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 ऐसी सीरीज इंडिया की जिन्होंने भर भर के व्यूज कमाए हैं, एंड आई एम श्योर कुछ सीरीज तो आपने सोचा भी नहीं होगा इस लिस्ट में होगी। एंड इन केस आपको नहीं पता कि वर्ल्ड में कौन सी ऐसी सीरीज है जिनको सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल बात करते हैं इंडिया की मोस्ट व्यूड ओटीटी सीरीज के बारे में। इस लिस्ट में है 6 नंबर पर सुष्मिता सेन स्टारर आर्या। जी हाँ, हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार की ये सीरीज आर्या, जिसके लगभग 3 सीजन आ चुके हैं, जिसमें सुष्मिता सेन गैंगस्टर लेडी बॉस के रूप में नजर आ रही हैं। शुरुआत होती है इनकी पति की डेथ से और फिर अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में कैसे ये पूरे सिस्टम की किंग पिन बन के बैठती हैं, फ्रॉम द बैक सीट टू द फ्रंट सीट क्या तक का इनका सफर है। सीजन का बहुत ज्यादा प्यार मिला है ऑडियंस को इस सीजन का, ऑडियंस का इस सीजन को। इस पे टोटल व्यू सुन के आप हैरान हो जाओगे, 17.2 मिलियन के साथ ये है 6th पोजीशन पे। तो इस लिस्ट में अगली सीरीज है फिर से सुष्मिता सेन की ही। जी हाँ, सुष्मिता सेन स्टारर ताली, जिसमें सुष्मिता सेन एक ट्रांसजेंडर का रोल निभा रही हैं। क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी इन्होंने, एक ट्रांसजेंडर के रोल में इतना बखूबी ये रोल निभाया था कि ऑडियंस को ये सीरीज बहुत ज्यादा भा गई और इस सीरीज ने इस लिस्ट में अपनी जगह 5वें नंबर पर बना ली है। कुल 17.8 मिलियन के साथ 5वें नंबर पे है ये सीरीज, फुल ऑफ सस्पेंस इमोशंस। कैसे एक लड़का जो गलती से लड़का पैदा हो गया, जो कि सीरीज में कहा जाता है, जिसका दिमाग लड़की का है, आत्मा लड़की की, और वो कैसे अपना जेंडर चेंज करता है, सिर्फ खुद को ही नहीं बट पूरी कम्युनिटी को कैसे रिफॉर्म करता है, इसके ऊपर बनी ये सीरीज, बहुत बढ़िया सीरीज थी। 4th नंबर पर है इस लिस्ट में एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसने जब आया था तो सारा ओटीटी का सीन ही चेंज करके रख दिया था। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि इतना जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर इंडिया में भी बनाया जा सकता है। अगर आप गैस कर चुके हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 4th नंबर पर है इस लिस्ट के अंदर असुर, जिसके पहले सीजन ने हर एक व्यूअर के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना ली थी। अरशद वारसी जो इसको लीड कर रहे थे, एक ऐसा शो बना दिया जिसने पूरा ओटीटी का सीन ही बदल के रख दिया और इसको वॉयलेंस से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक बेस सेट कर दिया, जिसके बातों में पता है एक के बाद एक शोज आते ही गए हैं। 21 मिलियन के साथ 4th नंबर पर है असुर इस लिस्ट के अंदर। YouTube से OTT का सफर, जो कि आई गेस हर एक कंटेंट क्रिएटर का सपना है कि YouTube से वो एक OTT एंड देन एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जाए या फिर एक YouTube से बहुत बड़ा नाम कराए, इस सपने को सबसे पहले सच करने वाले क्रिएटर यानी कि भुवम बाम की सीरीज ताजा खबर ने इस लिस्ट में 3rd नंबर पर अपनी जगह बना ली है। इसमें कोई शक नहीं है कि भुवम बाम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर हैं और इतना ही नहीं, उनको ऑडियंस का प्यार भी बहुत ज्यादा मिला है, चाहे उनके यूट्यूब पर वीडियो आए चाहे ओटीटी पे आए। 23.5 मिलियन के साथ ताजा खबर ने 3rd नंबर पर इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। कहानी एक ऐसे लड़के की जिसको मिलता है एक फोन, जिसमें उसको पता चलता है फ्यूचर, फिर कैसे उसी फ्यूचर के पता चलने के अंदर वो उसकी लाइफ पूरी उलझ जाती है और वो फंस जाता है। बड़ा ही क्वेश्चन मार्क वाला एंडिंग था इसका 2nd सीजन का, इसका जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस लिस्ट में है 2rd नंबर पर आदित्य रॉय कपूर का डेब्यू ओटीटी सीरीज द नाइट मैनेजर, जिसके पहले ही सीजन को 2 हिस्सों में जो है लॉन्च किया गया था, पहले 4 एपिसोड एंड देन अगेन बाकी के एपिसोड। पहले 4 एपिसोड के बाद ही ऑडियंस के दिल में इस शो ने अपनी जगह बना ली थी। पूरा फुल फ्लेज बॉलीवुड मूवी की तरह शूट किया गया ये एक सीरीज, रिवॉल्व करता है एक नाइट मैनेजर के अराउंड, यानी कि एक एक्स नेवी पर्सोनल जिसको, जो कि अब एक नाइट मैनेजर का काम कर रहा होता है बांग्लादेश के एक होटल के अंदर, वहां पे हो जाती है एक लड़की की डेथ, फिर कैसे वही चीज पूरी इस सीरीज में चलती है। इसमें अनिल कपूर हो या फिर हो आदित्य रॉय कपूर, क्या बेहतरीन एक्टिंग की है और इसी एक्टिंग के चलते लोगों ने इस सीरीज को भर भर के प्यार दिया और 28.6 मिलियन के साथ 2rd नंबर पर इस शो को लाके रख दिया।
पहले नंबर पर है इस लिस्ट में एक ऐसे एक्टर की सीरीज जिन्होंने बड़े पर्दे पर भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, और जब छोटे पर्दे पे एंट्री मारी, डेब्यू किया, तो फिर से एक रिकॉर्ड नंबर कायम कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फर्जी की, जो कि कहानी थी दो ऐसे लड़कों की जिन्होंने नोट छापने का ऐसा काम शुरू किया कि रियल लाइफ में ही अपनी सीरीज के थ्रू अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नोट छाप छाप के दे दिए। फर्जी एक बहुत जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जिसमें शाहिद कपूर ने शायद वन ऑफ हिज करियर बेस्ट एक्टिंग दी, और 37.1 मिलियन के साथ ये सीरीज है इस लिस्ट के अंदर नंबर वन पे। अब बताओ कमेंट में कि कौन सी सीरीज आपके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में होनी चाहिए थी और कौन सी सीरीज नहीं होनी चाहिए थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।